313 नाम मुंतखबर कहीं ने पंजाब असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिप्तान खान ने हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजाती नामजदगी आज शाम 5:20 तक जमा कराए जा सकते हैं। सेक्रेटरी असम्बली कहते हैं खुफिया रायशुमारी कल होगी। IMF बहाना, पाकिस्तान निशाना मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मजमून सियासी अजाइम के हुसूल में हर हद पार कर गई। जमात के बानी के मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश। IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। तरीके इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल दुश्मनी कर रही है। सागदार बरस पड़े। कहा IMF को खत लिखना सूसनाक और काबिले मुजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में कहा PTI मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना खतरनाक अमल है। MK मौनुल्ली की आला क़यादत की मुलाकात तय। कुछ देर बाद मुत्तहदा का वफ़द लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। MKM अपने मुतालबात एक बार फिर दोहराएगी। नूली की जानिब से वजारतें पेश किए जाने का इम्कान। फलस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह है। फलस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत के हामी है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान का मौकिफ पेश कर दिया। कहा इसराइली मजालिम के खिलाफ ICJ में कार्रवाइयाँ उम्मीद की किरण है। उम्मीद है इन कार्रवाइयों से फलस्तीन का मसला हल होगा। ऑक्स बे मुशरफ कॉलोनी के करीब से 2 लाशें बरामद। खुश नाले से मिलने वाली लाशें अस्पताल मुंतकिल। दोनों अफराद तेज रफ्तारी के बाद नाले में मोटरसाइकिल समेत गिरे। शनाख्त यूसुफ और आमिर के नाम से कर ली गई। और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 25 फरवरी से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। सिलसिला 27 फरवरी तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।